आज मैं आपके लिए कुछ अलग और बहुत ही आसान व्रत की हेल्दी ढोकले की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप देख सकते कितना सॉफ्ट ढोकला बना है, तो आपको आज की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि साथ में मैं एक स्पेशल तरह की व्रत की चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आपने बिल्कुल भी पहले नहीं ट्राई किया होगा। तो इस ढोकले के साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन इस ढोकले के स्वाद को दुगना कर देता है। आप जब खाएंगे व्रत में तो पूरा दिन इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। व्रत के ढोकले बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम यानी 1 कप समा के चावल यानी व्रत के चावल। आप जो भी व्रत में चावल खाते हैं आप उसका बना सकते हैं, या बिना व्रत का अगर बनाना चाहते हैं तो रोज का चावल से भी बनाया जा सकता है। साथ ही में हमें चाहिए 1/4 कप यानी 4 टेबल स्पून साबूदाना। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में समा के चावल को डालते हैं और पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है। जब आप इसे हाथों से छुएंगे ना तो दरदरा सा होगा, बिल्कुल बारीक नहीं हो पाएगा। अब हम बाउल में डालते हैं पीसे हुए चावल और मिक्सी के छोटे जार में ही हम साबूदाना पीस लेते हैं। तो अलग अलग करके पीसे ताकि अच्छे से पिसा जाए। साबूदाना भी पीस लिया है और अब हम डालेंगे 1/2 कप दही यानी सोया मिल्क दही, और जितना दही लेंगे उतना ही हम पानी डालेंगे यानी 1/2 कप पानी। अब चम्मच से मिला ले तो आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा सा है। अभी चावल और साबूदाना पानी सोख करेगी इसलिए और भी ज्यादा सख्त हो जाएगी। तो इसे हम ढक देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए ताकि फूल जाए। जब तक ढोकले का बैटर फूल रहा है हम फटाफट चटपटी तीखी स्पेशल चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मूंगफली। मूंगफली को रोस्ट कर लिया है देखिए, और ये 1/3 कप है। और साथ में हमें चाहिए 1 डाली धनिया पत्ता का। तो देखिए धनिया पत्ता का जो स्टेम होता है उसमें बहुत ही ज्यादा फ्लेवर होता है, तो इसका स्टेम मैंने निकाल लिया है और पत्तों को हमने अलग कर लिया है और धनिया पत्ता को धो लिया। अब हम चटनी पीसने के लिए मिक्सी का चटनी जार लेंगे, उसमें डालेंगे 1 इंच अदरक। अदरक को चाकू से इस तरीके से बारीक बारीक काट के डालें। 2 हरी मिर्चे और धनिया का डंठल इसे इस तरीके से काट ले। मैंने एक बार मसल के थोड़ा सा छिलका निकाल लिया है, चटनी जार में डाल दे और साथ में 2 चम्मच पानी डाल दे। तो इसे हम 30 सेकंड के लिए बस क्रश कर लेते हैं। तो देखिए दरदरा सा पीस लिया है और अब हम चटनी को पकाएंगे। तो व्रत में आप जो भी तेल खाते हैं या फिर घी खाते हैं उसी का इस्तेमाल करें। तो मैंने 1 छोटी चम्मच तेल डाला है और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच जीरा। जीरा को तड़कने दे। 2 मिर्ची हमने मूंगफली के साथ पीसा है इसलिए यहाँ पे मैं बस 1 मिर्ची डाल रही हूँ। साथ ही में डाल दे 5 से 6 करी पत्ता और इसमें डाल दीजिए दरदरा पीसा हुआ मूंगफली। साथ में 4 चम्मच पानी डाल के चटनी जार से मूंगफली को निकाल लें और अब इस तरीके से चलाएं और हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि बहुत ही फ्लेवरफुल ये चटनी कुछ अलग तैयार हो। तो आप देखिए गाढ़ा होने लगा है, फिर से 4 चम्मच पानी डालें। अब डाल दीजिए व्रत का नमक स्वाद अनुसार यानी सेंधा नमक। अब थोड़ी सी फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती। खट्टापन के लिए मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। हमारी चटपटी तीखी कुछ अलग व्रत की चटनी तैयार है। तो ढोकले के साथ काफी मजा आ जाएगा इस चटनी का साथ। अब हम ढोकले को स्टीम करके बनाएंगे, तो आप किसी कुकर कढ़ाई भगोने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डाल दीजिए 2 ग्लास पानी और यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा है, आप कोई कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। स्टैंड और पानी के बीच थोड़ा दूरी होना चाहिए ताकि बर्तन बिल्कुल भी टच ना करे। फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और लिड से ढकते हुए हम उबाल आने का इंतजार करते हैं। 25 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से देखिए ड्राई हो चुका है। और जब आप इसे हाथों से छुएगा ना तो सूजी की तरह आपको महसूस होगा दरदरा सा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटी चम्मच खाने का सोडा यानी मीठा सोडा। हमें बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। अगर आप व्रत में सोडा नहीं खाते हैं तो उसके बिना ऐसे ही बना लीजिएगा। और स्वाद अनुसार सेंधा नमक यानी व्रत का नमक। 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे ताकि सोडा अच्छे से मिल जाए और इस तरीके से मिलाएं। तो नॉर्मल ढोकले की तरह व्रत के ढोकले का बैटर तैयार नहीं होता है। आप देख सकते कितना गाढ़ा सा
बैटर है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं। टोटल हमने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, ml में देखें तो 200 ml। सोडा डालने के बाद हम बिल्कुल भी रेस्ट पे नहीं रखेंगे, अब हम फटाफट केक टिन में डालेंगे। तो आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, स्क्वायर केक टिन, गोल्ड केक टिन या फिर स्टील के टिफिन में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा तेल डालते हुए हम बर्तन को चारों तरफ ग्रीस कर लेते हैं ताकि ढोकला आसानी से बाहर आ जाए। और अब ढोकला बैटर को केक टिन में डालिए। तो देखिए मैं गिरा रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कितना गाढ़ा है। चम्मच से चारों तरफ फैला ले। अब हम हल्का सा हिला लेते हैं ताकि बराबर हो जाए। अब हम ढोकले को स्टीम करेंगे। पानी भी उबलने लगा है, फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। सावधानी पूर्वक हम ढोकले के बर्तन को रखते हैं। अब ऐसे बर्तन से ढके जिससे स्टीम ना निकले। तो इस तरीके के लेड में छेद भी होता है, अगर छेद हो तो आप उसे कागज या टिश्यू पेपर से कवर कर दे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और हम 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ढोकला पकते हुए 25 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दे और लिड को हटा लीजिए। और जब आप इसे छुएगा ना तो आपको ऊपर से हल्का गीला गीला सा लगेगा क्योंकि हम चावल के ढोकले बना रहे हैं। लेकिन जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ढोकला भी फूल चुका है थोड़ा। अब हम सावधानी पूर्वक ढोकले को बाहर निकाल ले। अब थोड़ा ठंडा कर लेते हैं तब डिमोल्ड करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और जब रूम टेम्परेचर पे आएगा तो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। अब हम हल्का सा किनारों पे चाकू चला लेते हैं और प्लेट में उलट लीजिए तो बहुत आसानी से साबुत बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं छोटी छोटी जाली, बहुत ही नरम मुलायम बना है। तो अब हम तड़का लगाते हैं और मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ। तो मैं जिस तरीके से हैंडल कर रही हूँ आपको पता चल रहा होगा कि ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बना है और जाली भी आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तड़का पैन में डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद आधा छोटी चम्मच जीरा डाल दें, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 8 से 10 करी पत्ते। तो तड़का हमारा तड़क चुका है, फ्लेम बंद कर दें। और तड़का लगाने से पहले आप ढोकले को काट लें। तो मैंने बर्फी के आकार में काट लिया है और बड़े बड़े पीस रखा है, आप चाहें तो छोटे पीस भी रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तड़का ढोकले पे डाल देते हैं। तो देखिए व्रत का ढोकला कितना ज्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। तो उपवास में खाने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा और काफी हेल्दी भी है, तो आप जरूर बनाएं। ऊपर से थोड़ा सा हम हरा धनिया छीट देते हैं और थोड़ा सा मैं खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप व्रत में लाल मिर्च नहीं खाते तो बिल्कुल भी ना डालें। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही हल्का फुल्का स्वादिष्ट व्रत का ढोकला, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है, आप इस तरीके से सर्व करें तो आपको साफ साफ ढोकले में जाली दिख रही होगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट ढोकले बने हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपका ढोकला कैसा बना, चटनी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो देखिए इस ढोकले के साथ ये चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगी, तो आप एक बार जरूर बनाएं।